नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भी जब हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर से किसी कस्टमर को जो हमारा टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं तो उस इनवॉइस के ऊपर हमारी कंपनी की जो बैंक से रिलेटेड जो डिटेल होती है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह सारा प्रिंट हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं भी हम जब हमारे कस्टमर को जब उसकी लेजर स्टेटमेंट का हम प्रिंट दें तो उस प्रिंट के ऊपर भी हमारी बैंक से रिलेटेड जो डिटेल है वो भी प्रिंट हो, और उसके साथ साथ जो हमारा पेमेंट से रिलेटेड जो UPI जो QR कोड जनरेट होता है वो भी लेजर स्टेटमेंट के साथ प्रिंट हो जाए। तो दोस्तों, इस ऑप्शन को हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से इनेबल करते हैं सारी बातें इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना, और कौन सी TDL फाइल हमें यूज़ करनी होती है उसका नाम भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेल इनवॉइस के ऊपर अगर हम चाहते हैं भी हमारी बैंक की डिटेल यहाँ पर प्रिंट होके साथ आए तो इसके लिए हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमारी जो बैंक से रिलेटेड जो डिटेल है उसको इनेबल करना पड़ता है। किस तरीके से इनेबल करते हैं सबसे पहले उसको हम सीखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम कस्टमर को सेल इनवॉइस है जो इशू करते हैं तो इसके लिए हमें सेल वाउचर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी कि अल्टर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अल्टर बटन पर आएंगे, उसके बाद हम जाएंगे वाउचर टाइप पर, और उसके बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सेल को। जैसे हम सेल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो सेल को सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन यहाँ आपको दिखाई देगा भी जो डिफ़ॉल्ट बैंक है उसका नाम। अब आपके पास आ जाएगा बैंक डिटेल ओपन, यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को यस करने के लिए। तो जैसे कि मेरे पास यार ऑलरेडी मैंने SBI बैंक यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, तो उस जो बैंक मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ उस बैंक का डिटेल मैं यहाँ पर दे दिया है। तो सबसे पहले तो आपको सेल वाउचर पे जाके इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो लेज़र हमने क्रिएट किया हुआ है SBI बैंक का, उस लेज़र अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो या ऑलरेडी आपने लेज़र क्रिएट किया हुआ है तो उसको भी एक बार मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अल्टर पे जाएंगे, लेज़र पे जाएंगे, और उसके बाद जैसा कि मैंने SBI बैंक सेलेक्ट किया हुआ है तो SBI बैंक के अंदर आपको ये सारी डिटेल है जो यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी। जैसा मैंने कि यहाँ पे फॉर डेमो के लिए सब कुछ यहाँ पे फिलअप कर दिया है, क्योंकि यहाँ फिलअप करेंगे तो ही हमारा टैक्स इनवॉइस के ऊपर यहाँ पर डाटा हमारा प्रिंट होएगा, और तो ही हमारा इस लेजर स्टेटमेंट के ऊपर हमारी QR कोड जो बैंक की डिटेल है जो प्रिंट होएगी। उसके बाद हमें क्या करना होगा, एक TDL फाइल का यूज हमें करना पड़ेगा। TDL फाइल, उसका नाम हेल्प पर जाएंगे, TDL एंड एडोन्स पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद में आपको टैली शॉप पे जाके इस नाम से सर्च करना होगा, प्रिंट UPI QR कोड एंड बैंक डिटेल्स इन लेजर प्रिंट प्राइम 1.0। ये आपको टैली शॉप से, जैसे हम हेल्प पे जाएंगे और टैली शॉप पर जाएंगे तो टैली शॉप से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब मेरे पास फिलहाल इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है तो ये नो इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है। तो ये इस TDL फाइल को आपको टैली सॉफ्टवेयर में लोड है जो कर लेना है, लेकिन ये होगा आपके पास अगर आप सिल्वर यानी कि लाइसेंस वर्जन यूज़ करते हो तो ही आप इसका यूज़ कर पाओगे। और उसके बाद में इसको अपडेट करने के बाद में एड ऑन फीचर्स पर हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद में जैसे ही इस फीचर्स को हम इनेबल करेंगे, इनेबल UPI कोड कोड इन लेजर प्रिंट, इसको यस करेंगे, तो उसके बाद हमारे से ये डिटेल पूछेगा UPI कॉन्फ़िगरेशन से डिटेल। अब उसके बाद में आपके गूगल पे, फ़ोनपे, जो भी आप UPI ID आपके पास है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना, क्योंकि ये जो नाम यहाँ पर हम लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर QR कोड है जो जनरेट होगा। जैसा कि हमारे पास ये इस तरीके से की जो हमारी UPI ID बनती है, उस ID जो आपके पास है उसका नाम यहाँ पर रखना है, और उसके बाद में प्रिंट बैंक डिटेल्स इन लेजर प्रिंट, इस ऑप्शन को भी यस रखना होगा। ये सब सेटिंग करने के बाद में हम एंटर प्रेस करेंगे, और उसके बाद में जो भी लेज़र हम स्टेटमेंट प्रिंट आउट लेना चाहते हैं या किसी कस्टमर को ईमेल करना चाहते हैं, व्हाट्सअप करना चाहते हैं, उस लेज़र की डिटेल हम ओपन कर लेंगे। इसके लिए हम डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पे जाएंगे और लेज़र पे जाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे इस कस्टमर को सेलेक्ट कर लिया, और ये हमारी कस्टमर की जो ट्रांजेक्शन होती है, सेल है, पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज, सब कुछ आ जाएगा। और उसके बाद में जैसा ही हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे Ctrl+P के साथ में, तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पर जाना होगा। तो जैसे हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे
तो आपके सामने ये जो इसका QR कोड है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा और आपसे बैंक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपने बैंक लेजर में दे रखी है सारी डिटेल यहाँ पर लेजर स्टेटमेंट के अंदर भी प्रिंट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर ये ऑप्शन आपके पास अभी भी शो नहीं हो रहा तो आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन पर जाना होगा, शो मोर पे आपको क्लिक कर देना होगा और उसके बाद में आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा बैंक। तो उसके बाद में ये ऑप्शन अगर आपको दिखाई दे शो मोड ऑफ पेमेंट, इसको आपको यस कर लेना है। एंटर प्रेस करेंगे यस हो जाएगा और उसके बाद में बैंक डिटेल के ऊपर भी एंटर प्रेस करेंगे तो ये भी यस हो जाएगा। कंट्रोल एक के साथ एक्सेप्ट करेंगे और जैसे ही उसके बाद में हम इसको प्रीव्यू देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा भी आपकी जो मोड ऑफ जो पेमेंट है एडिशनल बैंक डिटेल है वो यस है या नहीं है। अगर यस है तो आपको प्रीव्यू के अंदर या प्रिंट आउट दोगे तो ये UPR कोड आपका प्रिंट होके आएगा। आप देख सकते हो इस तरीके से बिल्कुल क्लियर, ताकि कस्टमर को एक बेनिफिट हम दे सकते हैं। आप अगर आप NEFT या बैंकिंग थ्रू नहीं जाना चाहते हो तो आप इसको स्कैन करके भी हमारे को पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो TDL फाइल है आपको कैसे लगी, कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये TDL फाइल चाहिए तो आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर पे जाके और हेल्प पे जाओगे, टेली शॉप पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद में जो TDL फाइल में हमारा सर्च का ऑप्शन आता है वहाँ पर इस नाम से आप इसको सर्च कर सकते हो और आप इसको लाइसेंस वर्जन के अंदर इसको 3 दिन के लिए डेमो इसका यूज़ करके देख सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।